एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते समय कभी कभी हमें कुछ ऐसे डेटाबेस को तैयार करना रहता है जिसे हम टेबल में इंसर्ट कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस पावर पॉइंट में टेबल को इंसर्ट करना, टेबल को ड्रॉ करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। इसके पिछले वीडियो में मैंने एमएस पावर पॉइंट के होम टैब के सारे ग्रुप्स एंड ब्लॉक्स, ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम सीखते हैं एमएस पावर पॉइंट में टेबल को इंसर्ट करना। इसके लिए सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और टेबल के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने तीन ऑप्शन शो कर रहे हैं और हमारे सामने एक सिंपल मिड टेबल। इससे आप आसानी से 10x8 का टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ तक अपने माउस का कर्सर लाकर माउस के लेफ्ट की को प्रेस कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये टेबल इंसर्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप टेबल को इंसर्ट करते हैं तो आपके सामने डिजाइन और लेआउट टैब का विंडो ओपन हो जाएगा। टेबल टूल के डिजाइन और लेआउट टैब से आप टेबल में काफी सारे एडिटिंग फॉर्मेटिंग को आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये टेबल इंसर्ट क्या हुआ है। इसमें आप एडिटिंग फॉर्मेटिंग को आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले डिजाइन ब्लॉक में आना है। यहाँ पर आपको दिखेंगे टेबल स्टाइल ऑप्शन, टेबल स्टाइल्स, वर्ड आर्ट स्टाइल्स और ड्रॉ टेबल। वो टेबल स्टाइल में आप देख सकते हैं हमारे सामने 6 ऑप्शन है और सबके सामने एक चेक बॉक्स लगा हुआ है। इसमें हमारा सबसे पहला ऑप्शन है हेडर रो। जैसे ही आप इस पर अनचेक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा ये टेबल का फर्स्ट रो जो हाईलाइट है वो अनहाईलाइट हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर अनचेक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ये टेबल जैसे सारे टेबल है ठीक उसी तरह ये भी शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा टेबल का फर्स्ट रो जो हाईलाइट हो तो उसके लिए आपको डिजाइन टैब में जाकर हेडर रो पर क्लिक करना है। इसमें हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टोटल रो। टोटल रो पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो हमारा ये टेबल का सबसे नीचे वाला रो हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये टेबल का लास्ट रो हाईलाइट हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बैंडेड रो। इस ऑप्शन के हेल्प से आप अपने टेबल को बैंडेड रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक कलरफुल दूसरा अनवाइवन। जैसे ही आप बैंडेड रो पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ये टेबल का डिजाइन चेंज हो गया। उसी तरह फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम को चेक लगाकर अपने टेबल को अट्रैक्टिव और डिजाइनिंग कर सकते हैं। टेबल ऑप्शन में हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने डेटा के हिसाब से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि जितना आपको टेबल इंसर्ट करना है आप वहां से आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप जैसे इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंसर्ट टेबल का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज के सामने ब्लैंक बॉक्स दिखेगा। आप जितने नंबर्स ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो को इंसर्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पे आसानी से फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे फिल कर लेता हूँ। इस तरह से आपने देखा मैंने नंबर ऑफ कॉलम 12 और नंबर ऑफ रो 14 फिल कर लिया। उसके बाद मैं ओके पर प्रेस करूंगा और जैसे ही आप ओके पर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ये टेबल इंसर्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने सीखा ऑप्शन के थ्रू टेबल को इंसर्ट करना और इंस्टेंटली किसी टेबल को इंसर्ट करना। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। इस ऑप्शन के हेल्प से आप अपने टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं और उसके बाद आपको बता देते हैं ये कैसे होगा। तो हमने यहाँ पर एक न्यू स्लाइड ले लिया है। अब हम आपको यहाँ पर एक टेबल को ड्रॉ करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आप जैसे ही ड्रॉ टेबल पर माउस का लेफ्ट की प्रेस करेंगे तो आपका ये माउस का कर्सर एक पेंसिल में चेंज हो जाएगा। इससे आप अपने स्लाइड पर जितने रो और जितने कॉलम का टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको माउस का लेफ्ट की प्रेस किए रहना और इसे ड्रैग करना। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा सबसे पहले एक ये बॉक्स बनेगा और उसके बाद आप जितने रो और कॉलम के इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये एक बॉक्स ड्रॉ हो गया है। उसके बाद आपको टेबल टूल के डिजाइन ब्लॉक में जाना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ टेबल। जैसे ही आप इस पर फिर से क्लिक करते हैं तो हमारा ये कर्सर पेंसिल में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप जितने भी रो और कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं, जितनी दूरियों पर करना चाहते हैं, आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सीखा टेबल को इंस्टेंटली इंसर्ट करना, टेबल को ऑप्शन के थ्रू इंसर्ट करना और टेबल को ड्रॉ करना। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट। इस ऑप्शन के हेल्प से आप
अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्लाइड पे आसानी से एक्सेल के डेटा शीट को फिल कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक न्यू स्लाइड लेकर इसे दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने एक न्यू स्लाइड ले लिया, उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक कर टेबल के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक कर एक्सेल स्प्रेडशीट पर जैसे ही हम माउस का लेफ्ट की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक्सेल का विंडो ओपन हो गया है। इसमें आप अपने डेटा को फीड कर, जिस तरह से एक्सेल में अपने डेटा को फीड कर कैलकुलेट करते हैं ठीक उसी तरह इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। देन उसके बाद आप बाहर की इस स्लाइड पर यहाँ पर अपने माउस का लेफ्ट की प्रेस कीजिएगा तो आप फिर से प्रेजेंटेशन पर यानी अपने स्लाइड पर आ जाइएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ डेटा को फीड करके दिखाता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डेटा को फिट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने माउस का लेफ्ट की इस एक्सेल स्प्रेडशीट के बाहर लाकर प्रेस करता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा एक्सेल में जो भी डेटा को मैंने फिट किया वो आपके एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड में इंसर्ट हो गया है। इस तरह से आपने सीखा टेबल ब्लॉक के सारे ऑप्शन के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल स्टाइल। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने टेबल के कलर को चेंज कर सकते हैं, टेबल के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इसमें आप जिस भी टेबल के डिजाइन कलर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से आसानी से उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा टेबल स्टाइल ऑप्शंस के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है शेडिंग। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने टेबल के शेडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ये हमने ये टेबल को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद जैसे ही शेडिंग पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हम अपने टेबल के शेडिंग को कैसे आसानी से चेंज कर पाते हैं। इसमें आप कलर के साथ साथ अपने किसी भी पिक्चर ग्रेडियंट टेक्सचर को भी फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सीखा टेबल के शेडिंग को कलर करना। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने टेबल के बॉर्डर को एडिटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करना है और उसके बाद बॉर्डर के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके इतने सारे ऑप्शन शो करेंगे। आप जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा आपका टेबल उस तरह से चेंज होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारा नो बॉर्डर है क्योंकि हमारे इस टेबल में कोई भी बॉर्डर नहीं है। अगर आप चाहते हैं हमारा ये टेबल जो है चारों तरफ से बॉर्डर से घिर जाए तो हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये टेबल बॉर्डर पे हो गया है। इसमें आप अगर इसे प्रिंट कीजिएगा तो ये बॉर्डर के साथ प्रिंट होगा। और यही अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो टेबल प्रिंट आउट हो, हमारा प्रेजेंटेशन का जो पेज हो प्रिंट आउट हो, उसमें ये लाइनिंग नहीं रहे, तो आप यहाँ से नो बॉर्डर पर क्लिक कर इसे हटा सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको इसे सिलेक्ट करना है और नो बॉर्डर पर क्लिक कर देना है।